मैं जब सिक्स क्लास में थी तब ज्वाइन करे हम लोग, मैं मेरे फ्रेंड्स सब, सबके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, फिर भी हम लोग ज्वाइन करे। एंड जब मैं नाइन्थ क्लास में थी तब 2016 में नेशनल चैम्पियनशिप थी असम गुवाहाटी में, तो वहाँ पर जाने के लिए भी पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे मेरे। मेरे फादर जो मेरे सपोर्ट में थे नेशनल्स के लिए गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गई। हम लोग जो गेम कराते हैं वो भी ना, तो उसमें पहले हम उनकी फिटनेस बनाते हैं, क्योंकि फिटनेस रहेंगी तभी वो सेल्फ डिफेंस कर पाएगी। तो हम उनकी पहले फिटनेस पे वर्कआउट करते हैं, उनको एक हेल्थी साउंड बॉडी बनाते हैं, उसके बाद उनको सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाते हैं। जो आजकल के हालात है, जो अपने आप को सिक्योर नहीं समझ रहे, तो हम ये चीज़ का सिखा के एटलीस्ट उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस को लड़की के अंदर पैदा करते हैं। मेरे घर में लोग ट्रेनिंग देते हैं, बचपन से सीखे हुए आए, तो उनको उनको देखते हुए मुझे अच्छा लगा। तो मैं स्कूल में ज्वाइन थी तो यहाँ पर भी मार्शल आर्ट चल रहा था, तो मैं अपने भैया को गई थी यहाँ पर भी मार्शल आर्ट चला, क्या मैं यहाँ पे ले सकती हूँ? तो जी ले लो बोल के बोले, तो मैं स्टार्ट कर दिया मार्शल आर्ट। जिस तरह हमारे बच्चे आसाम, मध्य प्रदेश, बिहार, लखनऊ वगैरह जो है चैम्पियनशिप जीत के आए हैं, और हो सकता है एक ना एक दिन ये गेम फिर से ओलंपिक में शामिल हो गए अगर हमारे बच्चे ओलंपिक मेडल लें, तो हो सकता है कि इसमें हमारे इंडिया का भी जो है नाम रोशन होगा। माय 2013 में मेरा 10th कंप्लीट हुआ, मार्शल आर्ट भी वहीं पे एंड हो गया था। तो हम लोग मुस्लिम्स के लिए हम लोग को पर्दा है एक्चुअली, मेरे फादर से मेरे को बहुत सपोर्ट मिला तो मैं ज्वाइन हो गया गेम। मेरा 12th क्लास कंप्लीट हो गया है, मैं अभी मार्शल आर्ट्स कर रही हूँ, मॉर्निंग मार्शल आर्ट्स की खुद ट्रेनिंग लेती हूँ, फिर स्कूल में बच्चों को कोचिंग भी देती हूँ।